एवरीवन वेलकम टू ऑरा ऑफ यूनिवर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत सी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम अपने एसपी को कैसे मैनिफेस्ट करें शादी के लिए, हम लव मैरिज करना चाहते हैं बट पेरेंट्स अग्री नहीं हो रहे हैं। काफ़ी ऐसी सिचुएशंस आ रही थी, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बना दूं। तो मैंने स्पेशली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो वाकई में दिल से लव मैरिज करना चाहते हैं बट पेरेंट्स अग्री नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बगावत करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेक्निक का यूज कर सकते हैं अगर आपको खुद पर, यूनिवर्स पर और भगवान पर भरोसा है तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात कि आप ये चीज नोट कर लीजिए कि आप जिसके साथ भी शादी करना चाहते हैं, मीन्स आप जिस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या आप उसके साथ जिंदगी भर खुश रह पाएंगे। मतलब आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, तो आप करिए, ठीक है, अदरवाइज मत करिए। दूसरी चीज ये कि जो लोग दिल से मैरिज करना चाहते हैं, ये नहीं कि आज प्यार हुआ कल शादी हो गई परसों तलाक हो गया, ऐसा वाला मामला नहीं चलना है, ठीक है। अगर रियली जिंदगी भर साथ निभाना है, जिंदगी भर उसके साथ रहना है, तो ही आप इस चीज को करिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। अब मैं सीधे अपने पॉइंट पे आती हूँ कि इस टेक्निक में क्या करना है। ये टेक्निक 21 डेज की है, 21 डेज तक आपको रेगुलर इसको फॉलो करना है बिना कोई गैप किए, बिना नेगेटिव थॉट क्रिएट किए, बिना नेगेटिव एनर्जी यूज किए, ओके। बहुत ज़्यादा खुश रहना, आई नो कि इस सिचुएशन में खुशी इतनी नहीं होती जब ये लगे कि अरे यार मेरी शादी का वक्त निकला जा रहा है, मेरे लिए तो लड़के वाले आ रहे हैं, मेरे लिए तो लड़की वाले देखने आ रहे हैं और मैं शादी नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो उस कंडीशन में खुश रहना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है बट आपको करना पड़ेगा। अगर आपको उस चीज़ को पाना है तो 21 डेज तक आपको सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ उस टेक्निक पे ध्यान देना है, ओके। तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए बोल रही हूँ कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने, ओके। तो अब आपको क्या करना है, 21 डेज तक करना है। फर्स्ट डे आपको क्या करना है, अगर आपके पेरेंट्स अग्री नहीं है तो ये आप अपने पेरेंट्स के लिए करेंगे, अगर आपको लगता है आपके पार्टनर के पेरेंट्स अग्री नहीं है तो आप उनके लिए करेंगे, सॉरी। अब आपको क्या करना है, रात में सबसे पहले आपको इस टेक्निक को शुरू करना है। फर्स्ट डे में आपको रात में सोने से पहले होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, उसको आप कम से कम 11 टाइम, नहीं तो 21 टाइम। होपोनोपोनो प्रेयर आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम है कि इसे कैसे करना है और क्या है, तो अगर 108 टाइम भी आप सुनना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में इसके वीडियोस हैं होपोनोपोनो के, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर आपको करनी है, क्या करनी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। इसमें आपको यूनिवर्स से माफी मांगनी है प्रेयर करके, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स अग्री नहीं है तो अपने पेरेंट्स को विजुअलाइज करना है, अगर उनके पेरेंट्स अग्री नहीं है तो उनके पेरेंट्स को विजुअलाइज करना है। ये विजुअलाइज करते करते कि कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आप हमारी शादी के लिए अग्री नहीं हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं मैंने आपको हर्ट किया है या कोई ऐसी प्रॉब्लम दी, तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। उस समय आप अपनी शादी का टॉपिक बिल्कुल भूल जाइए, बस आप अपने पेरेंट्स से हर गलती के लिए माफी मांगिए, चाहे वो जाने अनजाने में हुई हो, चाहे जैसी भी हुई हो, बट आपको सिर्फ उनसे माफी मांगनी है, ठीक है। आपने ये किया, माफी मांगने के बाद आप जैसे विजुअलाइज ही कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर विजुअलाइज करना है, और विजुअलाइज करते करते लव वाइब्रेशन भेजनी है। लव वाइब्रेशन कैसे भेजनी है ये भी मेरे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। लव वाइब्रेशन क्या होती है, कैसे भेजने, वो प्रॉपर उसमें दिया हुआ है वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। आप उन्हें लव वाइब्रेशन भेजेंगे। लव वाइब्रेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि अपने जिसको भी हम भेज रहे हैं, अगर हम उनके पेरेंट्स को भेज रहे हैं या अपने पेरेंट्स को भेज रहे हैं, जो भी अग्री नहीं है सिर्फ उन्हीं को भेज रहे हैं, ठीक है। तो हम उनको विजुअलाइज करते हैं और ये फील करते हैं कि वो हमारी बात को मान गए हैं, वो बहुत खुश हैं, वो बहुत शांत है, मैंने हंस के उनसे बात की और वो उन्होंने हंस के उस चीज़ को अग्री कर लिया, वो बहुत खुश है मेरे हर फैसले से, वो मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स में उन्हें बहुत प्यार कर रही हूँ। मतलब उस वाइब्रेशन में ना बहुत ढेर सारा प्यार होना चाहिए, वो भी नकली वाला प्यार नहीं कि नहीं बस मेरे को शादी करनी है, मेरे को टेक्निक करनी है तो मेरे को प्यार दिखाना है, नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा। डीपली लव करना है। अगर डीपली लव जो आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से कर रहे हो ना, इससे ज्यादा दुगना अपने पेरेंट्स से करो। उन्होंने बॉन्ड किया तब आप जाके अपने पार्टनर के साथ आज खड़े हो पा रहे हो, अगर उन्होंने बॉन्ड नहीं किया होता ना तो आप नहीं खड़े होते, ठीक है। तो ये प्यार जितना आप अपने पार्टनर के लिए करते हो उससे दुगना आप अपने पेरेंट्स के लिए करो, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने दिन में, जितने दिन में आपने पार्टनर से प्यार किया उतने दिन में आपने अपने पेरेंट्स को भूल रखा है। भूल रखा है इन द सेंस कि वो वाला प्यार नहीं किया, अगर वो वाला प्यार करते तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है यार, ऐसा कैसे होता कि वो नहीं मानते, ठीक है, तभी नहीं मानेंगे। हाँ या तो बहुत ही बैड सिचुएशन हो, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में नहीं मानते हैं, जो लगता है कि भाई अब उस पर कुछ नहीं किया जा सकता, बट अमूमन ऐसा नहीं होता है, पेरेंट्स अग्री हो ही जाते हैं, ठीक है। तो आते हैं पॉइंट पे, क्या करना है, होपोनोपोनो प्रेयर की है, ठीक है, विजुअलाइज किया है,
यूनिवर्स से माफ़ी मांगी है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगी है, उसके बाद हमने उनको लव वाइब्रेशन भेजना शुरू कर दिया है। लव वाइब्रेशन भेजने के बाद 5-10 मिनट आपने भेजा, आपने उनको विजुअलाइज किया, बहुत ढेर सारा प्यार रखा, लव वाइब्रेशन में बहुत ढेर सारी लव की फीलिंग भेजी पेरेंट्स को, और उसके बाद हम सो गए। उसमें कहीं पार्टनर का जिक्र नहीं आना चाहिए, पार्टनर का चेहरा नहीं दिमाग में आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स होने चाहिए दिमाग में, क्योंकि हम लव वाइब्रेशन जिनको भेजते हैं ना, पूरे दिलो दिमाग में उस टाइम उन्हीं को रखते हैं। ठीक है, ये कर लिया आपने, उसके बाद आप सो गए, कुछ नहीं सोचना है, आप सो गए। मॉर्निंग में आप उठे, उठते ही उठते आपने अपने पेरेंट्स को विजुअलाइज किया, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड किया, उसी विजुअलाइजेशन में आप अपने पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, थैंक यू, पेरेंट्स को प्यार कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स मान गए हैं, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपके पार्टनर के पेरेंट्स के लिए है तो आप ये फील कर सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके पेरेंट्स को आपका पार्टनर अपने पेरेंट्स को बहुत ही प्यार से हग कर रहा है, बहुत ज़्यादा, कि मम्मा थैंक यू, और आप हमारी शादी के लिए मान गए हैं। आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि वाओ अब मान गए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको जल्दी जल्दी मैसेज करके बताएंगे, यार मेरी शादी फिक्स हो गई है और उसी से हुई है जिससे मैं चाहती थी, ऐसा होता है ना। सोचिए, मतलब जब ऐसा होगा वो फीलिंग क्या होगी, जस्ट उसी फीलिंग से आपको इमेजिन करना है, उसी फीलिंग से फील करना है, उसी फीलिंग से वाइब्रेशन भेजो यार, कैसे नहीं काम करेगा यार, दिल से किसी को याद करो और वो काम ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जितना प्यार आप करते हो ना अपने पार्टनर से, उससे दुगना अपने पेरेंट्स से करो, देखो वो मानेंगे। ठीक है, ये आपको करना है वाइब्रेशन भेजने। फिर आप कोशिश करिए कि जितने टाइम आप पानी पीते हैं, पानी में यही अफर्म करके पीजिए कि मेरे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए मान गए हैं, मेरे पार्टनर से मेरी शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। अगर उनके पेरेंट्स के लिए आप करना चाह रहे हैं तो उनके पेरेंट्स का बोल के कि मेरे पार्टनर के, जो भी आपके पार्टनर का नाम है, कि उनके पेरेंट्स मान गए हमारी शादी के लिए और हम बहुत खुश हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितनी बार भी दिन भर में आप पानी पिए आप कर सकते हैं। ये चीज़ आप अपने पार्टनर को भी बता सकते हैं, अगर वो भी अफर्म करके पानी पिए तो बहुत अच्छा है, अगर वो भी यही टेक्निक करें तो भी बहुत अच्छा है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो बट आप चाह रहे हो कि उनके आपके पार्टनर भी ये करें, तो अगर आप दोनों मिलकर करोगे ना, तो सोचो यार वो अपने पेरेंट को लव वाइब्रेशन भेज रहा है, आप अपने पेरेंट को लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, क्या पावरफुल काम करेगा यार, दोनों ओर से प्यार ही प्यार बरसेगा तो शादी तो हो ही जाएगी ना। ठीक है, इसलिए बहुत ही सीरियसली और बहुत ही दिल से इसको करना है। ठीक है, 21 डेज तक आपको इसको ऐसे ही फॉलो करना, और इस बीच में अगर आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। 21 डेज आपको यही लिखना है कि मेरे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए मान गए हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, ऐसा आपको 21 टाइम करना। अगर उनके पेरेंट्स का है प्रॉब्लम तो आप उनके पेरेंट्स का, मतलब पार्टनर का नाम लेके उनके पेरेंट्स का लिखेंगे कि वो मान गए हैं, थैंक यू। उसके बाद क्या करना है, 21 डेज तक आप अपने पार्टनर से बोलो और खुद से भी ये बोलो कि यार 21 डेज के लिए ना तुम भूल जाओ मुझे, भूल जाओगे तुम मुझे कितना प्यार करते हो, या भूल जाओगे तुम मुझे कितना प्यार करती हो, हम अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हैं ये याद रखो। इतने दिन तक आप उन्हीं से प्यार कर रहे थे ना, अब नहीं ऐसा करना है। अब आपको क्या करना है कि आप बस ये याद रखो कि हम अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हैं। आप अपने पार्टनर को भी बोलो कि 21 डेज तक मेरा नाम भूल जाओ, सिर्फ पार्टनर को, सिर्फ अपने पेरेंट्स को प्यार करो, पेरेंट्स से सच्चा वाला प्यार, और कभी गले लग जाओ पापा के, कभी मम्मा के गले लग जाओ, मम्मा के साथ टाइम स्पेंड कर, हमेशा तो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग करते रहते, छोड़ दो थोड़ी देर यार, शादी उसी से होनी है, ये सब उसी के लिए होना है, 21 दिन इंतजार नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, तो 21 दिन के लिए छोड़ दो। ठीक है, 21 दिन बिल्कुल नॉर्मली हाँ हाय हेलो हालचाल हो गया बस, ठीक है रखो। सारा टाइम आपको अपने माँ बाप को देना है और दिल से अपने पेरेंट्स की हर वो एक छोटी छोटी चीजें याद करने की, जब आप बोलना भी नहीं जानते थे, चलना भी नहीं जानते थे, तो पेरेंट्स आपकी छोटी सी मुस्कान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते थे। क्या नहीं किया उन्होंने आपके लिए, वो सारी उनकी कुर्बानियां, वो जितना भी उन्होंने आपके लिए किया ना, वो सारी चीजें याद करके फील कीजिए, खुश होइए। पेरेंट्स को 21 डेज तक लगातार प्यार कीजिए, और मम्मा अगर सामने बैठी, पापा अगर सामने बैठे, बस पैसे के पापा आई लव यू, बहुत अच्छे, आप मेरी सारी विशेष पूरी करते हो, मतलब मन ही मन उनको अच्छा अच्छा अफर्म कीजिए, अच्छा अच्छा बोलिए, अंदर से वाइब्रेशन भेजते रहिए भेजते रहिए भेजते रहिए। 21 डेज तक ऐसा आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, 21 डेज तक आपने ये सारी टेक्निक की, स्क्रिप्टिंग भी कर ली, अफर्मेशन भी करते यार, अगर आप दोनों लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद क्या करना है,
22nd डे आपको क्या करना है, 22nd डे आपको लेट गो कर देना है, बिल्कुल भूल जाना है। उसके बाद डेली अपने रूटीन काम में लग जाना। अब ये नहीं कि 22 दिन हो गया मेरे टेक्निक खत्म हो गए तो मम्मा पापा से प्यार छोड़ दें, नहीं, आपको तब तक करना है जब तक कि वो आपकी शादी के लिए अग्री नहीं हो जाते हैं। और इसी 21 डेज के दौरान ही, जब मतलब आप ये सब कर रहे हैं और आपकी टेक्निक को करते करते 10-15 डेज बीत जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करिए उनसे बात करने की, इनडायरेक्टली वे में कोशिश कीजिए उनसे बात करने की कि मम्मा वो लड़की या वो लड़का बहुत अच्छा है और ये मम्मा कास्ट का क्या है, मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से समझा लो यार, अब इतने बड़े तो हो ही गए हो कि समझा सकते हो, लेकिन बहुत प्यार और रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि वो पेरेंट्स पहले हैं, बाद में जीवन साथी आता है लेकिन पहले पेरेंट्स आते हैं, ओके। तो आपको इस तरीके से करना है। 22nd डे भी आपको मतलब वो टेक्निक अपनी भूल जानी, उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि यार मैंने 21 दिन जो टेक्निक की थी उसका रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया और अभी तो मेरी सिचुएशन वैसी की वैसी, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है। अगर ये सोच लिया ना तो फिर मेरा नाम मत लेना कि आपकी टेक्निक बेकार है, मेरी टेक्निक बेकार नहीं, आपके करने का तरीका गलत हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक काम नहीं करती, अरे यार जब दिल से नहीं करोगे, सही प्रोसेस में नहीं करोगे तो काम कैसे करेगी, हम लोग के ऊपर कैसे कर लेती है। ऐसा तो है नहीं कि हम पे कोई अलग से जादू यूनिवर्स ने कर रखा है कि भैया हम तुम्हारी बात मान ले तो दूसरे की नहीं मानेंगे, नहीं यार, हमें भी टाइम लगा था, बट पहली बार में यकीन नहीं होता, दूसरी बार में नहीं होता, करते करते प्रैक्टिस हो जाती है यार। और अगर शादी इतनी बड़ी चीज है यार, खेल नहीं है, उसके लिए बहुत दिल से कोशिश करनी पड़ेगी। इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड के लिए तुरंत प्यार आ गया, उसी पेरेंट्स के लिए प्यार नहीं आता है, नहीं आता ना, आपको लगता है यही तो हमारी दुश्मन बने हुए हैं, ये तो हमारी शादी नहीं करा रहे, उनके लिए प्यार नहीं आता, वो तीखा बोल देते, तो ऐसा नहीं करना है, दिल से प्यार उनके लिए दिखाना है, ठीक है। आपको कंटिन्यू ऐसे करना है, पेरेंट्स से हंस के ही बात करनी है, पेरेंट्स को अंदर मन ही मन जब तक कि आपकी शादी की ये बात फिक्स नहीं हो जाती ना, मन ही मन वाइब्रेशन भेजना। मान लीजिए कोई लड़की लड़की वाले या लड़के वाले आपको देखने भी आ जाते हैं तो आप उसमें भी कुछ ये नहीं कि आप भड़क जाए और गुस्सा हो जाए मम्मी पापा पे, ऐसा कुछ नहीं करना है, उन्हें अपना काम करने दो, वो देख रहे कौन सा देखने के बाद तुरंत फिक्स हो जाना है यार। अंदर ही अंदर वाइब्रेशन भेजो कि पापा मुझे मालूम है कि आप मेरी बात को नहीं टालेंगे, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मालूम है कि आप मेरी खुशी देखना चाहते हो, मेरी खुशी इसमें है, ठीक है। इसी तरीके से मन ही मन आपको वाइब्रेशन हमेशा भेजते रहना, 24 आवर्स भेजना है, फिर आप भूल जाओ कि एक दिन की बात है, दो दिन की बात है, 24 आवर भेजना है। और अगर आप अपने पार्टनर के पेरेंट्स के लिए सोच रहे हैं तो उनके बारे में भी यही करना है, आपको बस अपने पार्टनर से कहना है कि टेक्निक मैं करूंगी लेकिन प्यार तुमको करना है जाके, अब मैं तो गले लगाऊंगी नहीं, है ना, आप ही को जाना है। मतलब अगर आपके पार्टनर के पेरेंट्स के लिए आप कर रहे हो तो टेक्निक आप करोगे, बट उनसे कहीं वो ढेर सारा प्यार करें, अपने मन में कम से कम वाइब्रेशन तो भेज सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें सोच सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ऐसा आप 21 डेज तक करिए, ग्रैटिट्यूड ज्यादा करिए, यूनिवर्स का ज्यादा से ज्यादा कीजिए, बीच बीच में होपोनोपोनो प्रेयर कर लीजिए यार, देखो इसके बाद ये मिराकुलस वर्क करेगा। बट मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ यार, अगर जरा भी नेगेटिविटी आ गई या जरा भी आपको लगा कि बस आप ये टेक्निक कर रहे हो, मतलब टेक्निक आप कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग ना उस चीज में लगा हुआ है, अरे यार देखो अब वो लड़की वाले आ गए और ऐसा हो गया वैसा हो गया, अगर इस चीज में आपका दिमाग चला गया तो फिर यार ये टेक्निक फेल हो जाएगी, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे से भी रिक्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। तो मेरे से आप इस तरीके से रिक्वेस्ट मत कीजिएगा कि मैम ये टेक्निक फेल हो गई, इससे बड़ी टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई हो ही नहीं सकती, ये मैं चैलेंज करती हूँ। और अगर दिल से आपने ये टेक्निक की, बिल्कुल दिल और विश्वास से कि उसके बाद भी नहीं हो रही है मैरिज यार, तो ये चलो यूनिवर्स ही नहीं चाह रहा, और क्यों नहीं चाह रहा, कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलत छुपा है इसलिए नहीं चाह रहा, क्योंकि यूनिवर्स हम जब चाहते हैं शिद्दत से कोई चीज हमें हासिल हो जाती है, बट अगर वो हासिल नहीं हुई तो समझो वो यूनिवर्स भी नहीं चाहता है, वो इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं मुझसे गलत चीज, मतलब मेरे लाइफ में कुछ गलत हो जाएगा उसके जुड़ने से, इसलिए वो चीज नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम सारी टेक्निक सारी कोशिश करते हैं, ठीक है, कि यूनिवर्स उसे अग्री करे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये टेक्निक करनी है, बिल्कुल दिल से विश्वास से करो, ऊपर वाले का नाम लेके करो, खुद पे यकीन रखो, हैप्पी रखो, ऐसा जरूर होगा, पेरेंट्स से बहुत ढेर सारा प्यार रखो, और 21 डेज तो बहुत ही करना, उसके बाद भी करो, और हमेशा प्यार और रिस्पेक्ट करो, वो कभी गलत नहीं होते हैं। हाँ कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पर पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते हैं, जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। एंड आई होप कि आपकी टेक्निक आपकी जिंदगी में बहुत खूबसूरत सा रंग लेकर आएगी। बेस्ट ऑफ लक, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लेना।